शुक्रवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 343 केंद्रों पर 50,102 लोगों को कोविड का टीका लगाया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 36,063 लोग तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 10,583 लोग शामिल रहे। जिसके संबंध में एडिशनल CMO डॉक्टर A.N. प्रसाद ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की निगरानी समितियां घर घर जाकर टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक कर रही हैं और टीकाकरण भी किया जा रहा है। उन्होंने जनपद वासियों से अपील किया है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें तथा अपने हाथ को सैनिटाइज करते रहें। आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें, भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें और जो भी फर्स्ट डोज या सेकेंड डोज तथा बूस्टर डोज नहीं लगवाए हैं वो अपने नज़दीकी वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करा लें और अपने आप को सुरक्षित रखें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडिशनल CMO डॉक्टर A.N. प्रसाद ने कहा, पुलिस लाइन अपना बाहर निकले कॉफी लिखा है महिला हमारे जनपद में 339 वैक्सीनेशन सेंटर चल रहे हैं और आज का मेरा टारगेट 50,000 से ऊपर का है। कल DM साहब के साथ इंटर कॉलेज और फिर हमारे सभी PSC और CSC के इंचार्ज के साथ एक बैठक हुई। बैठक में रणनीति बनाई गई कि छूटे हुए फर्स्ट डोज और जो ओवर डोज के लाभार्थी हैं उनको किस तरह से हम निकालें और उसको सैचुरेट करें। तो आज से हमारे जितने भी प्रभारी चिकित्सा अधिकारी और हमारे जो भी टीकाकरण से जुड़े हुए जितने भी कर्मचारी हैं, निगरानी समिति के लोग सब मिलकर उस रणनीति पर आज काम कर रहे हैं और मुझे आशा है कि आज हम उसका प्रतिफल, कल की जो बैठक हुई थी उसका प्रतिफल आज मुझे दिखाई पड़ेगा। अंत में मैं अपने जनपद वासियों से, गोरखपुर वासियों से ये कहना चाहता हूं कि कोविड का प्रोटोकॉल पूरी तरह से अपनाएं, मास्क लगाएं, शारीरिक दूरी बनाएं, हैंड सैनिटाइज करते रहें समय समय पर, दिन भर में कम से कम 3 से 4-5 बार साबुन और पानी से हाथ धोएं और कम से कम बाहर निकलें, आवश्यकता अनुसार ही बाहर निकलें, भीड़ भाड़ से बचें, भीड़ वाले जितने भी जगह है उससे बचें और जिनको भी फर्स्ट डोज या सेकेंड डोज या प्रिकॉशन डोज जो भी डोज आज के समय में ड्यू है आए हमारे वैक्सीनेशन केंद्र पर और आप वैक्सीन लगवाएं और इस कोविड की तीसरी लहर से अपने आप को सुरक्षित करें। धन्यवाद।